हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कुंज और आप देख रहे हैं कुंज गेमिंग जोन। तो गाइज, आज के एरर को हम फिक्स करने वाले हैं GTA 5 के एप्लीकेशन एरर। द एप्लीकेशन वाज अनेबल टू स्टार्ट करेक्टली। तो ये कुछ 0xc4001242 क्लिक टू ओके क्लोज द एप्लीकेशन। तो गाइज ये एरर दिखा रहा है। तो आज गाइज इसको हम फिक्स करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं तो गाइज इस वीडियो में बने रहिए हमारे संग। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आप गेम को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो गाइज आपको सबसे पहले इसको काट देना है। काटने के बाद आपको चले जाना है क्रोम ब्राउजर में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो आपको जैसे ये फाइल है ऐसी एक आपको फाइल मिल जाएगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करना आपको आता होगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये वाली कोई फाइल है तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको ओपन करना है। यहाँ से इसको सब कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको कट कर देना है। करने के बाद आपको जहाँ पर अपनी GTA 5 को फाइल है जो इंस्टॉल की हुई है आपको वहाँ पर जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर है तो आपको यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है। मैंने किया हुआ है, मेरा बढ़िया काम करा है, इसलिए मैं इसको पेस्ट नहीं करूँगा। रिप्लेस ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइस आपको इसको पेस्ट करने के बाद आप अपने गेम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एरर आ रहा हो और भी कोई, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को थैंक यू वॉचिंग। थैंक यू सो मच।